दीदी का पाव इज नाउ बिकमिंग हाथी का पाव। यार कपड़ा के साथ साथ जूता भी जोड़ा, 7,000 का जूता है यार, आई कांट अफोर्ड टू लूज इट। जल्दी से छोटा हो जा जल्दी। Hey guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we Priyashi. और देख करके तो हम लोग सच में मंगरी संगरी लग रहे हैं, गर्मी के कारण बाल बाल चिपक गया दोस्तों, तो इग्नोर कर देना। खैर आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड थी, दीदी शू कलेक्शन दिखाओ, शू कलेक्शन दिखाओ, आपकी क्या डिमांड थी। और हम लोग खुद से रट मार रहे थे कितने देर से, और फाइनली हम लोग ये वीडियो लेकर के आ गए हैं आप लोगों के लिए। तो दिल थाम के बैठिए, आज इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है कि मार्केट में आपको कैसे जूते खरीदने चाहिए, कहां से खरीदने चाहिए, कब खरीदने चाहिए, और एक लड़की के शू रैक में कैसे कैसे चप्पल मैंडेटरी है, मतलब की होने ही चाहिए। तो ये जो हमारा कलेक्शन है ना, स्पेशली अभी का हम लोग खरीद के आप लोगों को नहीं दिखा रहे, ये हमारा जमा पूंजी है लाइक 3 से 4 सालों का। तो चलो दीदी वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक और बात बोलना है। बहुत सारे लोगों का था कि दीदी आप लोग जो स्टाइलिंग करते हो, कपड़े वगैरह पहनते हो, तो कहाँ से लेते हो वगैरह वगैरह, तो हॉल वीडियोस भी दिखाया करो। तो अभी से व्लॉग चैनल पे ना हॉल वीडियोस भी आएंगे, साथ ही साथ जो ऑलरेडी हमारे पास ज्वेलरी है, हमारा फेवरेट कलेक्शन है, वो भी आपको दिखेगा, हमारे वार्डरोब कलेक्शन भी दिखेगा, रूम टूर भी आने वाला है दोस्तों, तो दिल थाम के बैठिए। और अभी ऑलरेडी सामने देख के ना पूरा झंझट दिख रहा है कि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो डिले नहीं करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको हमारा शू बॉक्स देखना पड़ेगा ना। अरे हाँ हाँ, क्योंकि आप लोग को ये भी तो हम लोग सिखा दे कि आखिर अपने जूतों को कैसे अच्छे से रखना चाहिए, ताकि आपके जो जूते हैं वो 3-4 साल तक अच्छे से रह पाए। सो अभी हम लोग हमारे रूम में आ गए हैं, एंड अगल बगल से आवाज आएगी तो प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग नीचे है ना, तो नीचे सारे फैमिली वाले रहते हैं। खैर हमारे बेडरूम में हम लोग अपने सारे जूते रखते हैं, और जूते ऑर्गेनाइज करने के लिए हमने दो शू रैक बोलेंगे रानी ना, यस शू रैक है हमारे पास। कैसे है क्या है चलो अब आप लोग देख लो। तो हम लोगों ने हमारे बेडरूम के दाहिने साइड में, राइट साइड में, ये दो शू रैक को ऑर्गेनाइज किया है, और जिसमें कि हमारे सारे जूते रहते हैं। ये फर्स्ट शू रैक जिसमें कि हमारे जो डेली वेयर वाले चप्पल होते हैं, और जो भी नॉर्मली हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, इंक्लूडिंग हमारे सारे सॉक्स इसमें रहते हैं, एंड उसमें हमारे सारे फैंसी और एक्सपेंसिव वाले चप्पल अच्छे से रहते हैं। तो ये वाला जो शू रैक है ना, इसको आप देख सकते हो, ये काफी ज्यादा अच्छे लेंथ का है। इसमें टोटल आपको 5 कंपार्टमेंट मिलते हैं, और ये हमने अमेजोन से ऑर्डर किया था, एंड वो हमने कारपेंटर से बनवाया था। इसकी प्राइस तकरीबन हमें 2100 से 2500 के बीच में लगभग पड़ी है, एंड वो हमें 3000 का बना, क्योंकि वो कस्टमाइज था, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो खैर अब स्टार्ट करते हैं। बाय द वे ये जो है ना, ये प्लास्टिक मटेरियल का है, पर स्टडी है, क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है, तो अगर आप लेना चाहते हो तो हमारे साइड से अ बिग थम्स अप। तो चलो अब इसके अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। तो जी सबसे पहले फर्स्ट कंपार्टमेंट को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अपने कुछ सॉक्स को और ठंड वाले स्लीपर को रखते हैं। ये चॉकलेट और जोमेटो स्विगी का डब्बा है, जिसको खाली कर करके हम लोग अपना काम चलाते हैं। तो इसमें रानी के कुछ सॉक्स है, इसमें मेरे कुछ सॉक्स है। नियॉन और लैवेंडर से प्यार तो आप लोगों को दिख ही रहा होगा। खैर हटाओ, जब दूसरे कंपार्टमेंट में आएंगे ना, तो इसमें भी रानी के कुछ जूते आपको मिल जाएंगे। थर्ड कंपार्टमेंट में रानी के कुछ स्लीपर्स है, जो कि वो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में काफी ज्यादा यूज करती है। एंड ये फोर्थ कंपार्टमेंट मेरा है, जिसमें कि मेरे कुछ स्लीपर्स है इधर, और ये मेरे दो जूते जो कि हम बहुत ज्यादा पहनते हैं, ये तो लाइक बहुत ज्यादा पहनते हैं, एंड ये परफॉर्मेंस का शू है, एंड ये मेरा नाइकी का शू आई थिंक, यस नाइकी का शू है वाइट वाला। एंड इसके नीचे, सबसे नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर भी मेरे ही कुछ चप्पल है, और मेरे जो कंपार्टमेंट्स हैं आप देख सकते हो चप्पल जूते कितने ठूस ठूस करें, क्योंकि लिटरली बहुत ज्यादा है। चलो अब मूव करते हैं उधर। तो अगर आप इसकी हालत देखोगे ना, तो ये भी अंदर से बहुत कोच कोच कर भरा हुआ है। तो यहाँ पर रानी के बूट्स, रानी साफ कर लिया कर यार रानी। दीदी ये 4 साल पुराना है, वो भी तुम्हारा छोड़ा हुआ। हाँ ये मेरा था, अब रानी का है। ऐसा अक्सर होता है, बड़ी बहनों के बाद छोटी बहनें उसका कार्यभार संभालती है। खैर ये मेरे दूसरे शू, ये कुछ स्लीपर्स, यहाँ पर कुछ फ्लैट्स, यहाँ पर पापा का जूता जो कि खराब हो गया, पापा बनवाने के लिए रखे, इसको बनवाना है। खैर यहाँ पर मेरे रानी के मिक्स, नहीं ये दोनों आई थिंक मेरा है, एंड ये ऊपर वाला में भी मेरा है, नीचे वाला रानी का, पर नीचे वाला में भी एक दो मेरा है, मतलब मेरे पास बहुत है, हम रानी का भी जगह छीन करके रखते हैं दोस्तों। तो खैर ये था, अब चलो आप लोगों को डिटेल में दिखाते हैं, यहाँ पर पिटारा बंद करते हैं। तो हमने स्थान भी ग्रहण कर लिया है, तो वीडियो डिले नहीं करते हैं, फटाफट से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो चप्पल हम लोग आपको दिखा रहे हैं ना, वो भी लाइक लिमिटेड है, अब ज्यादा पुराने और मैले चप्पल तो लाके नहीं दिखाएंगे। तो जो हमारे
फेवरेट्स हैं वो आपको दिखाते हैं, और जो सीक्वेंस होगा वो लीस्ट फेवरेट से मोस्ट फेवरेट की ओर जाएगा। तो जो हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट है ना, वो हम लास्ट में दिखाएंगे रानी, ताकि आप लोग लास्ट तक वीडियो में टिके रहो। समझ में आया? दिमाग चलो स्टार्ट करो। तुम्हारा लीस्ट फेवरेट? यार दी इतने सारे चप्पल है, मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है ना कि कैसे स्टार्ट करें। खैर सबसे पहले अगर मेरे को दिख रहा है वो है ये प्लेन नॉर्मल ब्लैक हील, मतलब ब्लॉक हील्स है, और ये लगभग हम 2018 या 19 में लिए थे, वो भी मम्मी पापा का एनिवर्सरी था तब। और ये मे भी बहुत लोगों के पास होगा क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉमन है। 400 रुपए का लिए थे, ज्यादा मेरे को याद नहीं है, ये लोकल शॉप से लिए थे। और ये बहुत टिकाऊ है, बहुत टिकाऊ है, और ऐसे हील्स तो सबके पास होने ही होने चाहिए क्योंकि सबके ऊपर चल जाते हैं। अब हम अपना लीस्ट फेवरेट दिखाएं क्या? लीस्ट फेवरेट नहीं, वो मोस्ट फेवरेट है बट समय के साथ लीस्ट हो गया। रुको, वेट वेट वेट। तो जी हम आ गए, ये है चप्पल, और ये जो ब्लैक हील्स है ना, इसके पीछे हील भी हम क्या दिखा, पीछे की हालत बहुत खराब है, ठीक है। तो ये चप्पल उस समय का है जब हम बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, और मेरे पास ज्यादा चप्पल नहीं हुआ करते थे, ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। तो आई इन्वेस्टेड इन दिस शू, और इसका फायदा क्या है, ये सारे ड्रेस पर चल जाता है, और ये बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है, और ये आज भी बिल्कुल ब्रांड न्यू दिखता है अगर हम पहन ले तो, ये भगवान। और सच बात बताए, मतलब ये जो सैंडल है ना, वो दीदी का साथ कभी नहीं छोड़ा है, क्योंकि ये सैंडल मतलब आपको दिख रहा होगा हील्स है, पर एक्सीडेंट के टाइम ना एक बार होते होते बच गया था, और यही एक सैंडल है जिसके कारण दीदी ना ग्रिप बना के स्कूटी को बैलेंस कर पाई थी। तो थैंक यू सैंडल, मतलब अपनी जिंदगी के मोस्ट ऑफ द अच्छे ओकेजन में हम यही सैंडल पहन के गए थे। खैरानी नेक्स्ट। और ये साथ में खेत का खुदाई भी कर देती है। अब इसके बाद बात करें, पहले ये मेरे को बहुत अच्छा लगता था, और आप लोगों को एक बात बताया, ये हम अभी तक नहीं पहने क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिला यार, कोई शादी पार्टी करने देता ही नहीं, तुम्हारे ही ब्याह में पहनेंगे। तो ये है, और यहाँ पर बहुत अच्छा ये सीक्वेंस वर्क किया गया है, और ये देखो आपको सोल से भी पता चल रहा होगा एकदम ब्रांड न्यू है, और ये हम अटल से लिए थे, लाइक 250 में लिए थे ना। और ये मेरे को मतलब कुर्ती और ये सब के साथ एथनिक वेयर के साथ पहनने का बहुत मन है, पर अभी तक मौका नहीं मिला है, पहन के रील्स बना लेंगे। तो ये तो मेरा हो गया सेकंड नंबर पे। तुम्हारा? हम दिखाए, हम 2-3 स्लीपर है मेरे पास जो हम आपको दिखा देते हैं, और ये भी अटल का ही है जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सॉरी दोस्तों, मान मत देना। ये एक वाइट जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और ये ग्रीन, और ये दोनों भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छे, और सबके पास ऐसा होना ही होना चाहिए। नेक्स्ट रानी। और नेक्स्ट है वो स्लीपर में मेरा मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि स्लीपर्स हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, और वो है ये सेम, ये भी अटल से लिए हैं। मतलब इसका जो सामने में से बो है ना, मतलब फॉर्मल लुक के साथ अगर आप इसको पहन लो ना, इतना प्यारा लुक देता है ना, मतलब ब्लैक, पूरा ब्लैक पहन के बस इसको कैरी कर लो। और दीदी को भी ऐसे स्लीपर लेने का बहुत मन था, पर इसके साइज का मिला ही नहीं। और इसके साथ ही साथ ना एक, जैसे कि ये हल्का न्यूड में आएगा और हल्का पिंकिश में आएगा, ये वाला, ये हम मैक्स से लिए थे ना। हाँ ये मैक्स का था, ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, बट वर्थ है क्योंकि पैर पे जाने के बाद बहुत अच्छा दिखता है, मतलब लगता ही नहीं कि कुछ पहने हैं, मतलब जींस के साथ पहन लो या फिर कुर्ती के साथ। और ये जो फ्रंट में ये है ना, ये थोड़ा H&M और ज़ारा में जितने भी स्लीपर्स मिलते हैं उसका ये स्टाइल है, तो ये इसलिए मेरे को ये चीज अट्रैक्ट किया था। तो ये दोनों तो मेरे हो गए स्लीपर्स में। अब दीदी तुम्हारा? हम दिखाते हैं, वेट वेट वेट, रुक जाओ, हम भी सोच रहे हैं, पहले स्लीपर वाला अपना क्रियाक्रम खत्म कर ही लेते हैं। तो ये है मेरे पास ब्लैक कलर का जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है फॉर्मल, मतलब मेरे पास ऐसा दो है ना, ये हम पसंद किए थे। ओके हाँ, और ये रानी के साइज का नहीं था, ये हमको दिखाई नहीं, हम थे साथ ही में, विशाल मेगा मार्ट का है ये, तो हम बोले हम ले लेते हैं। खैर ये बहुत ज्यादा वो तो नहीं है, कंफर्टेबल क्योंकि पैर से निकल जाता है कुछ कुछ, बस स्लीपर ये कह सकते हैं, नहीं है इसके पीछे वाले साइड में, सोल वाले साइड में, लेकिन हाँ ये अगर मोची के पास जाके लगवा लेगी तो उससे भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गाड़ी पे बैठ रहे हो, खाने के लिए जा रहे हो, थोड़ा फोटो क्लिक करवा रहे हो, घर आ जा रहे हो, उसके लिए ठीक है, बट अगर आप पैदल पहन करके चलने का सोच रहे हो तो नहीं 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 नहीं। एक और स्लीपर है जो कि मेरा और रानी का सेम है, दिखाओ रानी। ये लैवेंडर कैसे हम लोग छोड़ सकते हैं, तो ये सेम है, मतलब ये भी अटल सर ने लिया था, मतलब ये ना आपको ड्यूप लगेगा ज़ारा का, और ज़ारा पे ऐसे चप्पल आई थिंक 2000 से ज्यादा के मिलते हैं, और हमें 250 के मिले अटल पे। क्वालिटी मस्त, इतना फोम अच्छा है कि हम क्या बताएं। पीछे हमने मोची से सोल लगवाया है ताकि स्लिप ना करे, और मतलब बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है। अगर आपको ये पसंद है ना तो आप अटल में जाओ और देखो, पता नहीं अभी होगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे कलेक्शन बहुत अच्छा था, इसलिए हम लोग दोनों सेम ले लिए। अरे हम लोग अभी भी सेम पहन के आए तुम बहुत, अरे मोती वाला इयररिंग बहन बहुत चीटिंग करती हो बहन, ठीक है शर्म कर लो। चलो नेक्स्ट दिखा दो। और नेक्स्ट अब स्टार्ट करते, अच्छा नहीं एक और मेरा बच गया,
स्लीपर नहीं मतलब फ्लैट, मतलब ये लिए थे स्ट्रेट स्टाइल स्टोर से और साइजिंग का इतना इश्यू हो गया था ना एक्चुअल में। ये अपनी दीदी अपने लिए मंगाई थी, कितने का था दीदी इसका प्राइस? 999 में तीन चप्पल आए थे, उसी में से एक चप्पल था तो मतलब 300 का समझ लो। तो ये थोड़ा सा है, ये भी फिसलता है जैसे दीदी का वो फिसलता था, क्या बोलते हैं जो अभी विशाल वाला ब्लैक दिखाई थी, तो ग्रिप नहीं बन पाता, पर वही फोकासी के लिए अपुन पहन लेता है। और थैंक यू दीदी, ऐसे ही ना गलत गलत साइज में ऑर्डर किया करो और मेरे को दिया करो। नेक्स्ट दिखाते हैं दोस्तों आप लोगों को, आई थिंक मेरा ये सब खत्म हो गया फ्लैट वाला पोर्शन। हाँ मेरा भी फ्लैट खत्म, कितना चीटिंग करती हो। शू दिखाते हैं दोस्तों, सबसे पहले शू पे आते हैं, तो सबके पास शू अच्छा होना चाहिए स्पोर्ट्स। एंड व्हाट आई सजेस्ट कि सस्ते जूते खरीदने से बेहतर है ना एक महंगा जूता ले लो, क्योंकि महंगा जूता एक बार आप पहन लोगे ना फिर सस्ते वाले पे जाओगे नहीं, जो कंफर्ट वो प्रोवाइड करता है यार। और मेरे लगभग सारे जूते गिफ्टेड है ये भगवान, क्योंकि महंगा चीज है ना, खुद से खरीदेगी नहीं, थोड़ा सा कंजूसी इसको भी मतलब दिखा देती है टाइम टू टाइम, मेरे वाली बहन है, लक्षण आ जाता है। नहीं हम अभी सारा जूता देख रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं मैं एक भी जूता खुद से नहीं लिए, सारा हमको गिफ्टेड है। खैर हटाओ, सबसे पहले ये नाइकी की है व्हाइट स्नीकर्स, जो कि सबके पास स्नीकर्स नहीं शू पता नहीं क्या, और सारा ये सेल से उठाई है, मतलब सेल होता था तभी लेती थी। हाँ हमने उठाया, गिफ्ट मिला है फिर भी सेल से, बट गिफ्ट देने वाला ईमानदार है। खैर दोस्तों, और ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, मेरे को लिटरली ये बहुत पसंद है। अदरवाइज मेरे को व्हाइट पहनने में बहुत डर लगता है ड्रेस और शू, क्योंकि गंदा बहुत जल्दी हो जाता है। खैर इसके बाद ये HRX की ब्लैक कलर की शू है, नॉर्मल शू है जो कि सबके पास होनी चाहिए। बहुत पुराना हो गया ना दीदी, खैर आई थिंक 2-2.5 साल पुराना है, बट ऐसा होना चाहिए सबके देखो पास। मतलब आप मेंटेन भी कर रहे हो अच्छे से तभी पता चलता है, पर हाँ अच्छे महंगे जूते पे इन्वेस्ट करो, एक बार इन्वेस्ट करो और लेवेंडर आ गया। ओह ये बर्थडे वाला है आप हाँ। लोगों को याद होगा मेरे कलेक्शन को देखो, और उसमें आपको लेवेंडर नहीं मिले ना, ये हो नहीं सकता है। एंड लास्ट मतलब मेरे पास और दो जूते हैं जो कि पुराने और बहुत गंदे हालत में, वो हम नहीं दिखा सकते। एंड लास्ट मेरा आज तक का सबसे महंगा शू लाइक लिटरली ये, और ये इसका बैक आप देखो, ये जो लगा हुआ है गोल्डन ये बहुत अच्छा, मतलब थोड़ा डिस्को वाला लुक देता है, और ये बहुत कंफर्टेबल है। सुनो गाइस, जिसके पास इतने सारे जूते हैं, मेरे पास एक ही जूता है, लेकिन हम दिखाएंगे, और वो मेरा महंगा जूता भी नहीं, पर आप लोग गेस नहीं कर पाओगे। और क्योंकि ये शू पर्सन नहीं है, और ये भी जबरदस्ती हम लोग खरीदवाए, क्योंकि इसको फ्लैट भी नहीं, हील्स बोले, छोटी है ना, बुत्ती सी है। और मेरे को नहीं पता क्यों, किट तो आप लोगों को पता होगा, ऐसे जो होते हैं ना वो मेरे को बहुत पसंद है। ये देखो ये थोड़ा लैवेंडर टच में, और इसका साइड में जो ये लुक है ना, मतलब क्या ही बोले, और ये भी बहुत अच्छा हमको ऑफर में मिला, 700 का था बट वर्थ है। और किट्टो से याद आया, इसके पास दो किट्टो है जो कि रगड़ के पहनती है, और वो लाई नहीं, लाने लायक है भी नहीं बहन। हाँ आप लोग मोस्ट देखे होगे इंस्टाग्राम पे होगे ना, तो आपको पता होगा वो कौन सा किट्टो का बात कर रहे हैं। खैर मेरा शू खत्म, तुम्हारा भी शू खत्म, अब आ जाते हैं हील्स पर। लेकिन हील्स पहनने से पहले ना, सबसे पहले तो मेरे को हील दिखाई दी है, कौन सा ब्लैक वाला, कोई बात नहीं, वो तो हम भी दिखा दिए ना। अच्छा एक और मेरे को हील दिखाना है आप लोगों को, जो कि बहुत पुराना है लेकिन ये बहुत यूजफुल है, जो कि पहले हम लिए थे फिर मेरा देखा देखी रानी खरीद ली, श्री लेदर से, बहुत गंदे स्थिति में है दोस्तों। नहीं हम इसे बाद में लिए थे, तो तुम अपना दिखाओ, मेरा तो बहुत गंदा है। और इसका गंदा क्यों है ना, क्योंकि पूरा अपना जो कॉलेज है ना बीएड, उसमें जो रगड़ी, और उसके लिए इसको इतना गाली भी पड़ा है ना, जस्ट बिकॉज आवाज आता था उससे, ठप ठप ठप, कोई भी श्री लेदर के चप्पल से आवाज आता है। खैर दिखाओ, निकालो, दिखाते हैं आप लोगों को, ये इतना कंफर्टेबल है ना, इतना सी, और मेरा वाला का हालत दिखा ही देते यार दोस्तों यार। पर नहीं ये बहुत अच्छा, और इसके लिए ना जब हम फोटो डाले थे तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे कि दीदी आप ये हील कहाँ से ली है, तो इसका कोई लिंक नहीं दे सकते क्योंकि श्री लेदर से हम लोग लिए, तो नहीं पता भी होगा कि नहीं। और 300 का था ना, एग्जैक्टली 300। नेक्स्ट लीस्ट फेवरेट दिखा, हाँ एक है, वेट यार दोस्तों माफ करना यार, बहुत चप्पल फैले हुए हैं। ये है जो कि रिलायंस ट्रेंड से हम लिए थे, न्यूड, ठीक है, क्योंकि उस वक्त न्यूड चाहिए था मेरे को, और न्यूड चप्पल ना सबके साथ चल जाते हैं, पर ये जितना सुंदर दिखता है ना बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए, तो हम इसको बहुत अवॉइड करते हैं पहनना, क्योंकि जब पहने इतना भयंकर शू बाइट हुआ है ना, बट स्टिल हमने फोटो क्लिक करवाने के लिए इसको रखे हुए, क्योंकि ये बहुत प्यारा दिखता है, आगे से जो ऐसे पॉइंटेड है ना तो बहुत इलोंगेटेड शेप देता है आपके फीट को, मस्त है। रानी तुम नेक्स्ट। देखो अभी तक इतने सारे हील्स और जितने भी सैंडल्स है वो ट्राई किए ना, पर आप लोगों को एक बात बताते हैं, अजियो के जो सैंडल्स होते हैं ना यार बेस्ट है, मतलब आप कंफर्टेबल की बात कर लो,
या फिर आपको ना उसमें वो ग्रिप भी मिलेगा, मतलब ऑल इन वन वाला जो ट्रेंडी ट्रेंडी बहुत अच्छा बहुत अच्छा। पर उससे पहले अजियो का बात कर रहे हम लोग के पास और एक सिमिलर सैंडल है जो कि हमने अगेन विशाल मेगा मार्ट से जाके लिया था। यार रानी मेरा बहुत चीटिंग करती है यार, हम जो लेते ना लेकर के आ जाती है। और वो ये है, मतलब पीछे कुछ नहीं पर यहाँ पर ये जो ब्रेड वाला वर्क किया हुआ ना बहुत क्लासी लुक देता है इसको। और मतलब जब कुछ समझ में नहीं आता है ना कि कौन सा ऐसे हील्स पहन ले, इसको डाल के निकल जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा एकदम सेफ ऑप्शन है ये। तो अब आ जाते हैं हमारे अजियो कलेक्शन पे, आप बोल सकते हो क्योंकि ऐसे हमारे सारे हो गए। और मेरा भी सैंडल अगर बात करें तो वो दीदी ही चूज करती है, दीदी ही लेती है। ये जो इसके पास इतना है ना लिटरली वो हम इसको प्रेशराइज किया तो लिया, अदरवाइज ये एक चप्पल वाला इंसान है और एक शादी चप्पल, एक मार्केट चप्पल, एक हवाई चप्पल, अदरवाइज तीन चप्पल में ये जिंदगी इसका खत्म हो जाएगा। वो तो मेरे कारण, ऐसी बहन सबको मिले भगवान। तो सबसे पहले जो कि मेरा मोस्ट 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 नहीं वो तो लास्ट में दिखाऊंगी ना, नहीं मेरा तो अजियो का दोनों फेवरेट है दीदी। लेकिन एक आप लोगों ने मतलब मीट एंड ग्रीट में भी देखा होगा और ये चप्पल दीदी को इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा ये लगा। रानी पहले ऑर्डर की थी, उसके बाद हमको इतना अच्छा लगा कि हम भी कर लिए दिखा। मतलब ये पूरी तरह से नियॉन है और आपको तो पता ही होगा कि नियॉन से प्यार मतलब लैवेंडर तो बाद में आया यार, पर हमारे लाइफ में जो नियॉन का प्लेस है ना वो कोई नहीं ले सकता। जो बोलते हैं ना पहला प्यार वो नियॉन है, उसका हील्स भी नियॉन और ये प्लास्टिक पूरा मतलब ट्रांसपेरेंट है और ये बहुत 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 प्रिटी है। और मीट एंड ग्रीट में मतलब बकायदा इसको पहन के पूरा डांस किए हैं, बहुत कंफर्टेबल है और बिना हील्स के डांस किए मजा आया। ये जो प्लास्टिक है ना ये इतनी अच्छी क्वालिटी का है, शू बाइट या फिर हल्का सा भी कुछ स्क्रैच वगैरह अच्छे नहीं, आप दिन भर पहन सकते हो आपको कुछ नहीं होगा, वी बेट यू। और आपको पता है इसपे आपको स्वेटिंग भी नहीं आती है, प्लास्टिक है तो आपको लग रहा होगा कि अभी गर्मी का मौसम है, हम इतना ट्राई किए ना पर बहुत। और हम नहीं चाहते यार कि ये सैंडल पुराना हो। इसके बाद दीदी तुम दिखा तो। हाँ इसी के जैसा मेरे पास सेम एक और है, वो रानी का नियॉन था, मेरे पास भी जो था वो नियॉन था ना, हम एक न्यूड भी ले लिए क्योंकि न्यूड सबके साथ चलता और ये मीट एंड ग्रीट में दीदी यही पहनी थी। लिटरली इतनी अच्छी क्वालिटी, इसका हील भी न्यूड है और इतनी अच्छी क्वालिटी की हम क्या बताएं। और सब 4,500 इतना का ही होगा ये सब ना, हम लोग ऑफर में उठाए थे। हाँ महंगा है दोस्तों, 1500-1500 का हम लोग ऑफर में उठाते हैं। चलो नेक्स्ट हम दिखाएं एक और। अच्छा ये तो भूल ही गई, ये हम भूल गए बट ये भी बहुत सुंदर है। ये विशाल मेगा मार्ट का था और म्यूज है ना, मूज क्या बोल म्यूज, हाँ मूज मूस है मूस दोस्तों। तो ये म्यूज है जो कि बहुत प्यारा दिखता है और मेरे को लिटरली ये बहुत पसंद भी है क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है, क्योंकि चप्पल तभी पसंद आते हैं ना जब वो कंफर्ट दे आपके पैरों को, अदरवाइज फोकासी मारने वाला ना बस फोटो के लिए ठीक लगता है। तो ये और रुको एक और हम दिखाना है मेरे को एक और, उसके बाद लास्ट बच जाएगा हम लोग दोनों का मोस्ट फेवरेट वाला ना दोस्तों। हाँ एक रुक जाओ, ये थोड़ा सा गंदा हो गया दोस्तों, सफेद कलर है तो गंदा तो होगा। ये चप्पल भी हम इतना पहन लिए ना, अजियो का ही है, लाइक इतना पहने हैं, इसका भी व्हाइट हील्स है और ये व्हाइट प्लेन मतलब ब्लैक आउटफिट पहन लो बट इसको कैरी कर लो और साथ ही एक व्हाइट पर्स हैंडबैग कैरी कर लो, उसके बाद क्या किसी भी अगर रेड भी पहन रहे हो ये पहन लो, डार्क ब्लू पहन रहे हो ये पहन रहे हो, स्काई ब्लू पहन रहे हो ये पहन लो, सबके साथ चलेगा, बहुत कंफर्टेबल एक्सट्रीम। एंड अभी आपको दिख रहा होगा इसके ऊपर ना स्नेक का जैसे टेक्सचर होता है ना उस टाइप का, ये लाइक प्रॉपर प्लेन नहीं है। लेकिन एक चीज है, एक बार पहन लो तो फिर आप इसको अच्छे से इसको साफ करना पड़ जाता है। एग्जैक्टली देखो यहाँ पर भी टेक्सचर दिख रहा होगा और ये जो टेक्सचर के अंदर जो दरार है ना इसके अंदर इतना जल्दी गंदा घुस जाता है, अट्रैक्ट कर लेता है, ये बैठ जाता है इसके अंदर। हाँ तो इसको जब भी हम पहनते हैं मेरे को वेट वाइप से रगड़ रगड़ के साफ करना होता है, तब जाके आज ये इतनी अच्छी स्थिति में है दोस्तों। रानी अब तुम्हारा मोस्ट फेवरेट दिखा दो। ओह ये तो मेरा भी मोस्ट फेवरेट है और हम ऐसा ऑर्डर करने वाले हैं, ऑफर का वेट कर रहे हैं। और कौन बोलेगा कि चीटिंग कौन करता है, तुम 100 चीटिंग की, हम एक कर रहे थे वो आग लग रहा है। तो देखो आप लोग अब दिल थाम के रेडी, ये बेस्ट है दोस्तों, ये लिटरली बेस्ट है दोस्तों। और ऐसा हम लिटरली लेने लिटरली लोग बोलते थे अभी तो लिटरली क्यों बोलते हो यार, हम खुद तंग आ गए हैं, मेरे को काम कर सिम्बा अच्छे से दिखाओ बहन। ये देखो ये भी अजियो का है और भाई साहब मतलब सबसे पहले ये आया था ना तो हम एक स्टोरी बताते, मेरे को समझ ही में नहीं आ रहा था पहनना कि इसको रैप अराउंड करके कैसे मतलब अपने पैर पे पहनना है, क्योंकि इसको ना बांधने का तरीका कुछ अलग है, पर ये आपके एंकल पे ऐसे राउंड हो जाता है मतलब जितना मोटा आपका पैर है उस हिसाब से, और फिर आप इसको ऐसे ट्विस्ट करके बांध सकते हो, और इसका जो हील है वो एकदम ट्रांसपेरेंट है और मतलब इतना प्यारा, और ये मल्टी कलर, ये ट्रांसपेरेंट नहीं बोलेंगे ये वाला चीज को, हाँ चमकता है लेकिन हाँ बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज है इसके अंदर से ये कीले निकली हुई आपको दिख रहा है क्या, हाँ जो ठोका है मतलब अजियो
हाँ दिखा दिखा, आजियो जैसे ब्रांड से ये सब तो एक्सपेक्टेड नहीं था, बट स्टिल कौन दिखता है पहनने के बाद, दिखता दिखता नहीं है दोस्तों। और बता रहे ना, लेकिन अगर आप लोग इतनी हेवी हील्स कैरी नहीं कर सकते हो तो मत लेना, क्योंकि इसको पहनने के बाद सीरियसली आपका जो मतलब प्रेशर बहुत ज्यादा पैर पे बलग जाता है और बहुत दुखता है, तो अगर आपको मन हो तो। लेकिन ये जरूर यार, रानी इतने से हील्स में रो रही है, हम इतना इतना हील्स पहन के बारात में नाचे हैं यार, हील्स पर्सन। और दीदी का बच गया, वो तुम्हारा फेवरेट है कह सकते हैं। नहीं देखो, आजियो वाला सारा, और मेरा जो हम दिखाए ना, लगभग सब मेरा फेवरेट है यार। हम किसको मोस्ट फेवरेट बोले, किसको लीस्ट फेवरेट बोले, ये भी मेरा मोस्ट फेवरेट में से ही एक है। पर ये जो लास्ट वाला है ऐसे बोल रही है, ये भी मेरा फेवरेट है। कलर देख रहे हो आप लोग, ब्राइट पिंक है, लाइक हॉट पिंक जिसको बोलते हैं, हॉट पिंक है ये जो कैमरे में दिख रहा है ना दोस्तों, ये कम दिख रहा है क्योंकि फ्रंट कैमरा ऑन है। रियल में ना और भी ज्यादा हॉट पिंक है, और सेम व्हाइट वाले जैसा स्नेक वाला टेक्सचर है, आपको दिख रहा होगा। एंड इसको हम लिटरली एक बार भी नहीं पहने हैं, और इसका हील्स भी पिंक है, सब कुछ मतलब इतना प्यारा दिखता है ना पैरों में जाने के बाद। और पता है इसका हमको एक चीज क्या अच्छा लगा, कि यहाँ पर जैसे न्यूड गया तो यहाँ पर ये पिंक दिया है, कि पैर बस ढका रहेगा तो ये चाहिए, और इसमें पता आपको कुशन भी मिलेगा, तो आपका मतलब एंकल और आपका जो एडी है वो बहुत कंफर्टेबल रहेगा। तो यही था, दिख कम रहा था, पर फाइनली हम लोग आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाए ताकि आप लोग बोर ना हो जाओ। यस, और अगर अच्छे से भी देखना है ना इसको हमारे पैरों में स्टाइल मारने के साथ, तो इंस्टाग्राम पे हमने रील डाल दिया है, या मे भी डाल देंगे क्योंकि शूट तो हमने कर लिया है। तो हमारे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर भी हमें फॉलो कर लेना ग्लैमर देखने के लिए। और क्या, और प्लीज कमेंट में आप लोग ये मत बताना कि दीदी आप लोग कहाँ से खरीदे, क्योंकि जहां तक हम लोग को नॉलेज था हम लोग बता दिए, लिंक्स हम लोग नहीं दे पाएंगे, मतलब बाकी तो लोकल स्टोर और मतलब 2-3 साल पुराने हैं। और आपको बताएं, अगर हम लोग ये सब चीज दिखा रहे हैं तो आप लोग ये मत सोचना कि दीदी शो ऑफ कर रही है, या दीदी आपके पास इतना है हमारे पास तो नहीं है। तो देखो, कंपैरिजन वाली बात नहीं है, क्योंकि आप लोग छोटे हो, हमारी उम्र देख रहे हो आप लोग, हम लोग कितने बड़े हैं, और आप लोग के पास तो एक दो जोड़ी चप्पल भी है। हम लोग जब आपकी उम्र के थे ना, मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं 18-19 साल के, हमारे पास नहीं था। एक चप्पल टूटता था, मोची के पास बनता था, फिर टूटता था, फिर बनता था, जब तक चिथरी चिथरी नहीं उड़ता था हम लोग पहनते थे। तो सबका टाइम आता है, मेहनत करो, आप लोग भी खरीदो, क्योंकि हमारा इतना शौक था तो हमने मेहनत किया और हमने शौक को पूरा किया। हम लोग का इतना सारा शू कलेक्शन क्यों है आप लोगों को पता है, पहली बात हम लोग शूज कपड़े जो भी वो बहुत अच्छे से रखते हैं ताकि वो मतलब बहुत आगे तक टिक पाए। दूसरी बात, हम लोग सेल से उठाते हैं, ठीक है। तीसरी बात, हम लोग कोई भी चप्पल 600-500 से ज्यादा का है ही नहीं, नहीं ये है, ये 980 का है, मतलब 1000 रुपए का है झुट्टी। इसके अलावा दीदी कुछ नहीं मिलेगा, और इसके जो जूते हैं वो गिफ्ट मिला है तो खुद से नहीं खरीदी। चलो दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। आप बताना आपको हमारे कलेक्शन में से सबसे अच्छा क्या लगा, और वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, कोई जूता मत मांगना, हम लोग खुद मेहनत कमाई है कि दीदी दे दो, नो गिव अवे, नो गिव अवे, बहुत प्यार है हम लोग को इससे। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो और ऐसी और प्यारे प्यारे हमारे कलेक्शंस देखना चाहते हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताना। और हमारा फेस पहली बार देख रहे हो, हाँ हमारा फेस पहली बार देख रहे हो, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।